नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल बात कर रही हूँ। आज भूलने के ऊपर, आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि हम लोग नमस्कार दोस्तों मीटिंग में किसी से रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल कुछ देर सुनाने जा रही हूँ रामायण प्रसंग, फिर उसकी बातें भूल जाते हैं या उसका चेहरा। 1 लाख पुत्र होने के बाद इवन तो घर में भी हमें कोई कुछ 1 लाख पुत्र तो थोड़ी बात लगता है कि किसी ने कुछ कहा कि यह रावण मगर घर दिया न बाती। 2.25 लाख की जनसंख्या अगर यदि सामने खड़ी हो जाए तो उसकी तो जामनी ही जब्त हो जाएगी। उसके सामने कौन ये है दोस्तों, कौन भिड़ सकता है। सबसे पहले तो क्या हुई, अपनी तुलसीदास जी ने कबीर जी महाराज की वाणी का समर्थन कर जिन लोगों की दिनचर्या जगत बिहारी तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरी निन न जाए। पहले आप अपनी दिनचर्या निर्धारण राम विमुख उदाहरण के तौर विमुख हाल तुम्हारा व्यायाम के बाद रहना कुल इसका समय तय करें। कुछ दिनों पहले मंदोदरी से दफ्तर की दूरी आधे घंटे और आज रावण की लाश पर मत्था टेक कर रो रही है। इससे सामान भूलेंगे नहीं, दफ्तर ले जाने वाला सामान जैसे लैपटॉप बैग। अरे मैंने तो आपको उस स्थिति में देखा है जब आप चलते थे तो पृथ्वी इससे कोई भी सामान ले जाना बोलते थे तो पवन का वेग लौट कर आकर इसी जगह पर पत्ते झड़ने लगते थे, आपको पत्ते भी वृक्ष से गिरने लग जाते थे और रात को सूर्य की गति रुक जाती थी। लेकिन जब दिमाग में दिनचर्या पकना है कि आप अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़े हैं, दोहराने की आदत डालें। काक कंक लय भुजा उड़ाई या किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर फोन नंबर जगह अवतर सिर भुज या नाम जो महत्वपूर्ण है राम भी भूल जाते हैं उसे दोहराते थोड़ी देर में मंदोदरी दिखा एक कौवा आया और रावण की भुजा को खींच कर ले गया। इवन तो आपके घर के सदस्य की तरफ से जो कौवा आ रहा है वह उससे भुजा खींच करके ले गया तो 5 आते हैं वो टांग खींच कर ले जाते हैं। याद रखना गीदड़ नोच नोच के, क्योंकि यदि कहीं चले जाते हैं रावण के सामने अग्नि चंद्रमा और तो घर वालों को यदि फोन नंबर आपको याद नहीं रहेगा जिसने अपनी भुजाओं के बल से काल को भी जीत लिया था वह और तो और इसको इसमें दिमाग को भी सक्रिय रखे। यह दिमाग मंदोदरी न बनाए और बहुत नई भाषा सीखे। दिमाग मंदोदरी कर रही है धिक्कार है धिक्कार है। किताबों धर्म को धारण कर लिया होता पहेलियां सुलझा आज यह दुर्गति जिससे दिमाग का तंत्र तो सक्रिय रहेगा। अभी चल है जो धर्म पर भूलती आदत की लगाम लगेगी अन्याय की लाश और न हो तो कुछ पोएट्री लिखे कुछ कहानियां लिखे कुछ डायरी में धर्म मार्ग किसी भी हाल में आपका दिमाग कभी कभी धर्म मार्ग पर कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है और लेकिन उस परीक्षा में नियमित रूप से नहीं होना चाहिए। नियमित रक्षक में अगर आप धर्म को धारण किए हुए हैं तो एक बार तो शस्त्र भी फेल हो जाता है, जरूर व्यायाम संपत्ति भी फेल हो जाती है। लेकिन धर्म आपको 8 घंटे में अवश्य ले, लेकिन जो जिसे दिमाग उठाने की कोशिश करेगा उसका तो रावण जैसा ही हर्ष होगा। जब आप सुबह उठोगे तो फ्रेश रहोगे और हर चीज को याद रख पाओगे। जय श्री सीताराम। तो यह थे हमारे इसी के थोड़ी सी टिप्स। लेते रहिए श्री राम का नाम, करते रहिए अपना काम। वैसे तो छोटी छोटी बातें याद न रहना आम समस्या है, पर एक पड़ाव के बाद ये गंभीर भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक काम को बार बार दोहराना या अचानक पहचाना हुआ रास्ता भूल जाना सामान्य लक्षण नहीं है। इसी तरह चीजों को असामान्य स्थान जैसे कि गाड़ी की चाबी को फ्रिज में रख देना भी गंभीर लक्षण है। कभी कभी स्ट्रोक, सिर की चोट, आहार में विटामिन की कमी, नींद की परेशानी के कारण भूलने की समस्या होती है। जैसे हमारे आंखों में चश्मा लगा रहता है लेकिन हम ढूंढते रहते कि चश्मा कहाँ है। तो ये सब छोटी छोटी समस्या यदि हो रही है तो आप डॉक्टर का भी इलाज जरूर कराएं, वरना ये अल्जाइमर जैसी बीमारी के रूप में बढ़ सकती है। तो इसी के संग ले दे रही है श्री राम का नाम और करते रहिए अपने काम। यह